उस एयरपोर्ट का हाल अभी ये हो गया है, उस एयरपोर्ट पर जहाज, तीन जहाज जाता था दरभंगा से दिल्ली, अब एक जाता है। और देवघाट है नेपाल साइड में, वहाँ इतनी बारिश हुई है पिछले दो दिन में और आगे भी अगले एक दिन डेढ़ दिन वहाँ फोरकास्ट है पानी होने का। तो लेकिन अब एक यह है कि ये जब गंगा में मिलता है लालगंज के पास, तो गंगा का थोड़ा खाली है तो पानी आगे स्मूथली निकल जाएगा, लेकिन खास करके गोपालगंज सारा इन सब बेल्ट में अलर्ट रहने की जरूरत। मुझे आपको इतना मैं बता देता हूँ कि ये समय होता था कि अब बाढ़ खत्म हो गई नॉर्मली विभाग में माना जाता था, और इस समय इतना पानी आ जाता उसके वो कहीं से भी समझ में नहीं आया, इस समय नहीं आता था इतना पानी जितना गंडक में आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, मैं आपके साथ प्रेमराज। बिहार में जब अमित शाह आए थे तो एयरपोर्ट के लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद तेज हो गया था, इसी को लेकर आज बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने पोल खोल दिया कि किस तरीके से जो बिहार में एयरपोर्ट का गड़बड़ स्थिति है उन्होंने मीडिया के सामने उजागर कर दिया। उनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार से विमान उड़ना चाहिए था उतना विमान उड़ भी नहीं रहा है, और पटना एयरपोर्ट का काम जारी था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। उतना ही नहीं, बिहार में उपचुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी संजय झा ने अपना बयान साझा किया। क्या कुछ कर रहे हैं संजय झा, ठीक देखें इस वीडियो में। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बता देता हूँ, वैट पर भी चर्चा की जा रही है कि मैं बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा था दिल्ली मिलने के लिए, जो वहाँ के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, तो मैं बिहार सरकार की तरफ से जाकर बिहार के जो इशूज है एयरपोर्ट को लेकर के उसके लिए मैं मिला था। जहाँ तक दरभंगा एयरपोर्ट की बात है, वो कहा जाता है उड़ान स्कीम, उड़ान स्कीम का मतलब हुआ पूरे देश का सामान्य नागरिक, यही हुआ ना, आम नागरिक, पूरे देश का आम नागरिक। अब हाल ये है, मतलब था कि हवाई चप्पल वाला भी उड़ेगा, अब स्थिति यह है कि वहाँ का जो किराया है वो दिल्ली दुबई जितना किराया होता है उतना किराया दरभंगा से दिल्ली का होगा, और उसका वजह है कि वहाँ पर जो उड़ान स्कीम में स्पाइस जेट को मिला हुआ है, दिल्ली से दरभंगा, दिल्ली मुंबई से दरभंगा, बेंगलोर से दरभंगा, दूसरा एयरलाइन उसमें जहाज नहीं चला सकता। अब स्पाइस जेट का जितना प्लेन है उसको भारत सरकार ने आधा प्लेन उसका ग्राउंडेड कर दिया, कैपिंग कर दिया, आधे प्लेन उड़ा सकता है, उसका प्लेन में कुछ गड़बड़ी मिल गया, आप लोग देखे होंगे अखबार में। अब आधा प्लेन है, जो तीन प्लेन चार प्लेन उड़ता था दिल्ली के लिए, एक प्लेन हो तो डिमांड सप्लाई की बात होगी। तो मैंने आदरणीय सिंधिया जी से कहा कि मैं वहाँ प्लेन ही नहीं, या तो स्पाइस जेट को बोलिए प्लेन दे, या दूसरा जो एयरलाइन है उसको वो टाइम स्लॉट दीजिए जो स्पाइस जेट को दिए हुए, नहीं तो वो एयरपोर्ट में तो भारी मुश्किल है। अभी दीपावली आने वाला है, छठ आने वाला है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो वो प्लेन की संख्या अगर भारत सरकार नहीं बढ़ाती है, जो प्लेन की बढ़ाना तो दूर की बात है, जो प्लेन चल रहा था वो भी एक तिहाई हो गया, अब वहाँ डिमांड है। आपको पता है कि दरभंगा एयरपोर्ट देश का उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट, 11 लाख लोग अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं, इससे सक्सेसफुल एयरपोर्ट देश में दूसरा नहीं है उड़ान स्कीम में। और उस एयरपोर्ट का हाल अभी ये हो गया है, उस एयरपोर्ट पर जहाज, तीन जहाज जाता था दरभंगा से दिल्ली, अब एक जाता है। आज का भी फेयर लीजिएगा तो आपको 15,000-20,000 फेयर आपको दिखाई पड़ेगा, 12,000-15,000 फेयर हो गया। इसलिए ये हमने कहा, और दरभंगा एयरपोर्ट पर जो फैसिलिटी का है उसकी भी भारी कमी है, ये सब विषय हम लोगों ने रखा जाकर के माननीय मंत्री जी के सामने। लेकिन सबसे बड़ा इशू वो है कि जो ज़्यादा फेयर का बात है उसका सबसे बड़ा वजह वहाँ प्लेन की संख्या जो बिल्कुल कम हो गई है, और स्पाइस जेट जो आधा जहाज उसका बंद हो गया है, उस वजह से ये हो गया। और भारत सरकार को मुझे कहा माननीय मंत्री जी ने कि भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, इमिडिएटली दिखवाते हैं उसका कोई ना कोई सोल्यूशन करते हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इमिडिएटली, क्योंकि अब टाइम तो निकल रहा है, दीपावली और छठ आने वाला है, नॉर्मल टाइम में भी भर के पूरा उत्तर बिहार के लोग वहीं उतरते हैं, सारे लोग नेपाल साइड के लोग वहाँ उतरते हैं, इमीडिएटली वहाँ या तो उसी को बोला जाए या दूसरे एयरलाइन को वो टाइम दिया जाए जो स्पाइस जेट के पास टाइम है। पटना एयरपोर्ट के बारे में बात किया, जो बेहटा में एयरपोर्ट है, आप लोग को जानकारी में दे दें कि बेहटा एयरपोर्ट भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सारे पदाधिकारी आए थे, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनके जो चेयरमैन थे एयरपोर्ट अथॉरिटी के,
उन लोगों ने सेलेक्ट किया बेटा है, और उन लोगों ने कहा कि 108 एकड़ जमीन बिहार सरकार एक्वायर करके दे देती है तो हम लोग यहाँ एयरपोर्ट बना रहे। दो साल के अंदर 500 करोड़ रुपया खर्चा कर बिहार सरकार ने एक्वायर करके जमीन 2018 में दे दिया भारत सरकार, और चार साल हो गया वहाँ एक ईटा नहीं लगा। आपको पता है कि यहाँ एलिवेटेड रोड उसी के लिए बनना शुरू होने वाला है नवंबर से। तो हमने आग्रह किया माननीय मंत्री जी से कि भाई आप ही के डिपार्टमेंट ने जो जमीन मांगा 108 का फिगर कहाँ से आ गया, आपके डिपार्टमेंट ने कहा कि 108 एकड़ जमीन दे दीजिएगा तो बेटा में हम लोग एयरपोर्ट बना देंगे, और 108 एकड़ जमीन एक्वायर करके हम लोग दे दिए हैं, और कृपा करके, और 500 करोड़ बिहार सरकार का खर्चा भी हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी इस एयरपोर्ट पे काम। और ज़मीन की बात कर रहे थे तो बात तो वही रहे, पूर्णिया एयरपोर्ट की बात हुई, पूर्णिया एयरपोर्ट पे जो ज़मीन एक्वायर हम लोगों ने कर लिया है, हमने कहा कि हैंड ओवर उसको ज़मीन को टेक ओवर कर लीजिए। वहाँ था कि एयरपोर्ट से हाईवे तक का कनेक्टिविटी बिहार सरकार बना दे, वो हम लोगों ने कह दिया कि एयरपोर्ट से, पूर्णिया एयरपोर्ट से हाईवे तक का कनेक्टिविटी बिहार सरकार बना देगा। तो दो और एयरपोर्ट की बात थी, गया एयरपोर्ट बिल्कुल प्लेन नहीं उड़ता है वहाँ से, एक या दो प्लेन वो उनसे आग्रह किया। गया एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई मुझे कहाँ कहाँ की ज़रूरत है, वो बोले मैं रीजनल फ्लाइट जल्दी करवाता हूँ। और अंतिम में जो पटना एयरपोर्ट पे काम अभी हो रहा है, जो प्रेजेंट एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट पर जमीन जो चाहिए था बिहार सरकार एक्वायर करके दे दी, और जो काम वहाँ चल रहा है पटना एयरपोर्ट का अभी प्रेजेंट एयरपोर्ट, वो काम बहुत स्लो है। जिस एजेंसी को मिला हुआ है वो बैंक करप्ट है, उसके पास पैसा नहीं जो काम कर सके, ये उनके जानकारी में दिया, उन्होंने वेरीफाई भी किया, पता चला कि काम काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है। उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि भाई वीकली इसको रिव्यू कीजिए, और पटना एयरपोर्ट जो काम है उसको 100% पूरा कीजिए। इसी 5 एयरपोर्ट का बात कीजिए। सर एक छोटा सवाल है, पूरा पानी जो है एक समस्या आ गई है, और लगता है कि आसमान फट गया नेपाल में, इतनी बारिश हुई है। और आप ये समझिए कि 4 तारीख को 40,000 क्यूसेक पानी था गंडक, और आज सुबह 10 बजे 4,45,000 क्यूसेक पानी हो गया, 11 गुना पानी बढ़ गया। और जो स्थिति देख रहे हैं खास करके चंपारण, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन सब क्षेत्र में, सारण, उसमें इसका एक प्रभाव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सारे लोग अलर्ट हैं, टूटने की या कोई ऐसी बात अभी तक नहीं है। दो जगह जरूर डैमेज हुआ है, वहाँ काम चल रहा है प्रोटेक्शन का, जो जहाँ हमारा एक्सपर्ट डैमेज हुआ है। और देवघाट है नेपाल साइड में, वहाँ इतनी बारिश हुई है पिछले 2 दिन में, और आगे भी अगले 1-1.5 दिन वहाँ फोरकास्ट है पानी होने का। तो लेकिन अब एक ये है कि ये जब गंगा में मिलता है लालगंज के पास, तो गंगा का थोड़ा खाली है, तो पानी आगे स्मूथली निकल जाएगा। लेकिन खास करके गोपालगंज, सारा इन सब बेल्ट में अलर्ट रहने की जरूरत, मतलब आप लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल देखा जा रहा है। बिल्कुल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रात भर हमारे डिपार्टमेंट के लोग, जल संसाधन विभाग के लोग यहाँ भी बैठे रहे और फील्ड में बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी मैंने मुख्यमंत्री जी भी अपडेट लिए हैं, बैठ कर के अपडेट किया है, ऐसी संभावना है खुद भी जाकर के देखेंगे उसको। और लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि ये समय होता था कि अब बाढ़ ख़त्म होगी नॉर्मली विभाग में माना जाता था, और इस समय इतना पानी आ गया उसके वो कहीं से भी समझ में नहीं आया। इस समय नहीं आता था इतना पानी जितना गंडक में आ गया, लेकिन हम लोग बिल्कुल अलर्ट है। जो हमारा फ्लड फाइटिंग का मटेरियल काम है वो सारा कुछ हो रहा है, और लेकिन अगला जो 3 दिन वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पानी आने में ये मोतिहारी और गोपालगंज इस सब आज शाम तक गोपालगंज के पास पहुँचे या कल दोपहर तक मोतिहारी पहुँचे, अगले 3 दिन तक पानी नीचे आते आते 15-16-20 घंटा लग जाता है, जो चलता है वाल्मीकि नगर से। अगला 3 दिन जरूर हम लोगों के लिए एक खतरा और अलर्ट रहने वाला समय। एक सवाल और है, गंगा में जो हवाई किराया है वो 10 से लेकर 25। तो जैसा कि देखा आपने, साफ तौर पर संजय जाकर कहना है कि बिहार में 2 से पैच पैच,
तो जैसा कि देखा आपने, साफ तौर पर संजय झा का कहना है कि बिहार में उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर हम लोग का तैयारी पूर्ण है। वहीं एयरपोर्ट वाले मामले पर कहना है कि जितने फ्लाइट का किराया भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जो विमान 3 उड़ना चाहिए था, 4 उड़ना चाहिए था, वहाँ से 1-2 विमान उड़ रहे हैं, इसी लेकर फ्लाइट का जो किराया है वो इसमें भी महंगाई देखने के लिए मिल रहा है। वादा किया गया था कि चप्पल वाले भी फ्लाइट पर उड़ेंगे, पर फ्लाइट जितना पर्याप्त मात्रा में उड़ना चाहिए था उतना उड़ नहीं रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार इंसाइड के साथ। बिहार इंसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।